नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। जिन बच्चों को पिछली बार नहीं आया था या कम आया था, अब दोबारा से और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो वही हमारा पैटर्न है कि फर्स्ट एक्सरसाइज वाला जो पोर्शन है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम सेकंड वाला करते हैं, ठीक है ना। देखो जरा, देखो बच्चों, कंप्लीट प्लेन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस पार्ट को क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसे क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों कहां से कहां तक होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है ये और 90 डिग्री तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से स्टार्ट होके कहां तक होता है, 180 डिग्री तक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है, 270 तक होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से स्टार्ट होकर कहां तक होता है, 360 डिग्री तक होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां है, 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 90 से 180, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 270 से 360। ये 0 है, ये 90 है, ये 90 से 180 हुआ, यहाँ पर 180 है, ये 180 से 270 हो गया, ये 270 है और ये 270 से क्या हो गया, 360। क्लियर है ये सबको, ठीक है, ओके। हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। कौन कौन से, साइन एक्स या साइन थीटा, कॉस एक्स या कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा और कॉसिकेंड थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका, इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 डिग्री तक, मतलब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 से 90 के बीच में, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर किया जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर आपकी 0 से 90 के बीच में है तो क्या कंसिडर किया जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर साइन के साथ में कोस टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट सब के किसी के साथ में भी अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है तो जो 0 से 90 के बीच में हो, राइट, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, इन सब की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो एंगल है वो अगर 0 से 90 के बीच में है, राइट, तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल कहां पर हो, 0 90 से 90 से 180 के बीच में, किसके बीच में हो, 90 से 180 के बीच में, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 से बड़ी कोई वैल्यू और 180 से छोटी कोई वैल्यू होगी, एंगल की कोई भी वैल्यू होगी, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे 120 डिग्री एंगल बनाए तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में आता है तो सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, इन दो की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे कि साइन के साथ में एंगल आ जाए 120, ठीक है, या 150 या 135, तो साइन और कोसेकेंट के साथ में ऐसा कोई एंगल आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू तो होगी पॉजिटिव और बाकी सभी की वैल्यू, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और बाकी के 5-6-4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। जैसे कॉस 150 आ जाए
तो 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कॉस 150 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। उस जैसे टेन 150 आ जाए, टेन 135 आ जाए, तो टेन 135 क्या, 135 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है ये, ठीक है। इस टाइप से, इसी टाइप से बच्चों, अगर एंगल आपका 180 से 270 के बीच में है, 180 से 270 के बीच में है, देन टेंजेंट और कॉट ये दो तो पॉजिटिव होंगे, टेंजेंट एंड कॉट ये दो पॉजिटिव होंगे। जैसे कि टेंजेंट 180 से 270 के बीच का मतलब, जैसे कि एंगल कितना हो आपका 210 हो, एंगल कितना हो 210 हो, 225 हो, ठीक है, 240 हो, अगर ऐसा कोई एंगल है, ऐसा कोई एंगल है तो टेंजेंट थीटा एंड कॉट थीटा इन दो की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, दो की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये दो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों सेकेंट थीटा, ठीक है, सेकेंट थीटा एंड इसका सॉरी कॉस थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी के चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे कि 270 से 360 के बीच का क्या मतलब है, 270 से बड़ा और 360 से छोटा कोई भी एंगल, 330 आ गया या 300 आ गया, अगर ऐसा एंगल कॉस और सेकेंट के साथ में आता है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन बाकी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। समझ गए, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल टी रेशियोज, मतलब फर्स्ट में ये सारे पॉजिटिव हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं पॉजिटिव हैं, ठीक है। 60 डिग्री चाहे साइन के साथ आ जाए, कॉस के साथ आ जाए, टेन के साथ आ जाए, कॉट के साथ आ जाए, सेकेंट के, कॉसिकेंट के, किसी के साथ भी आ जाए, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। टेंजेंट 60 भी पॉजिटिव होगा, कॉस 60 भी पॉजिटिव होगा, कॉट 60 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया, साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे एज फॉर साइन, साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टेन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सी फॉर कॉस थीटा, कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, 0 से 90, सेकंड कहां से कहां तक है, 90 से 180, थर्ड कहां तक होता है, 180 से 270, और ये कहां तक होता है, 360, ठीक है बच्चों। अगर 90 में से कोई एंगल माइनस कर दिया जाए, 90 माइनस थीटा कर दिया जाए, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जैसे 90 एंगल है उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, 30 डिग्री माइनस कर दिया, तो 60 बचेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थीटा को हम लेंगे 0 से 90 के बीच में, ठीक है। वैसे ये रूल थीटा अगर 0 से 90 के बीच में ना हो तब भी सही लगते हैं, तब भी इनसे रिजल्ट जो आता है वो सही ही आता है, गलत नहीं आता, ठीक है। चलें, अगर 90 में कुछ जोड़ोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। ये 180 है भाई, 180 में से कुछ माइनस करेंगे, 180 में से जैसे आपने 60 माइनस कर दिया, कितना आएगा, 120, तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, ठीक है। इसी टाइप से 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे 180 में आपने कुछ ऐड किया, 180 में 30 ऐड कर दिया, तो 210, ये 180 से बड़ा एंगल हो जाएगा, 180 से बड़ा होगा तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, समझे आप ये।
180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। यहाँ पर 270 है, 270 में इससे कुछ माइनस करोगे तो वो थर्ड में ही रहेगा, और 270 में कुछ जोड़ोगे तो वो कहाँ चला जाएगा? फोर्थ में। ठीक है, आपकी क्लास में हो गया कहीं? ठीक है, देखो भाई ये क्या होगा, 270 माइनस थीटा, और इधर क्या होगा, 270 प्लस थीटा। समझ आया आपको ये? ऐसे इसी तरह से बच्चों यहाँ पर 360 है, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में। और 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। अगेन फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। ठीक है, 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट में ही होगा। 360 में कुछ जोड़ोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? एक रेवोल्यूशन पूरा होने के बाद, यहाँ तक 360 हो गया। ठीक है, अब मान लो 360 प्लस 30, 390 एंगल आपका, आपका एंगल कितना है? 390। तो आप 360 से 30 डिग्री और ज्यादा बनाएंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 390। और अगर आप अकेला 30 डिग्री एंगल बनाते वो भी यही बनता। तो 360 और 390 कैसे, 390 और 30 डिग्री कैसे एंगल है? इक्विवेलेंट एंगल है। ठीक है, आफ्टर एक सर्कुलेशन पूरा होने के बाद, एक रेवोल्यूशन पूरा होने के बाद एंगल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर दो सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएंगे तब फिर से एंगल रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे, राइट? चलो अब बच्चों हमने जो क्लास टेंथ में जो सेक्शन छोड़ दिया था, साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट। ठीक है बच्चों, आप क्लास टेंथ का ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लेके आप इनको प्रूव कर सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हो सकता है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होगा। करेक्ट? ठीक है, ये लिखे सभी ने, लिखो जल्दी जल्दी, आगे चलो। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सबको पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो इन सभी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब ये देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड में बच्चों सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस, लिखो लेफ्ट हैंड साइड, कॉस 90 प्लस थीटा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है अभी। टेंजेंट 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा। ठीक है, कोसिकेंट 180, कोसिकेंट 180 प्लस, ओ सॉरी मैंने क्या कर दिया, कुछ गलत कर दिया, रुको भाई रुको, यहाँ पर आओ। 180 पे क्यों चला गया मैं, 90 चल रहा था। कॉस 90 प्लस थीटा 10, 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं जो पूछता हूँ वो बताओगे। कर लिया? अच्छा एक बात बताओ, साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले देखना है 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है। एंड बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपका बदलेगा। ठीक है, ये कैसे बदलता है बच्चों? जब कभी भी आपके पास 90 डिग्री 1 इंटू 90 हो, ठीक है, या फिर आपको पास आपको मिलेगा 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90 एंड सो ऑन। आपको जो ये साइन के साथ में, जैसे ये वाले एंगल हैं, कौन से वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं?
इन वाले एंगल्स की, ये 90 प्लस थीटा थे यहाँ पर, और यहाँ पर सारे क्या है, ऊपर वाले में 90 माइनस थीटा थे और यहाँ 90 माइनस थीटा है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आपको कोई ना कोई एंगल तो मिलेगा, जो भी एंगल मिलेगा वो 90 का मल्टीपल होगा, या तो वो 90 होगा तो आप उसको 1 × 90 लिख सकते हो, या वो 180 होगा तो आप उसको, मैं लिख देता हूँ, या तो 90 मिलेगा या फिर 180 मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको क्या मिलेगा 270 मिलेगा, जिसको आप 3 × 90 लिख सकते हो, या फिर आपको क्या मिलेगा 360, जिसको आप 4 × 90 लिख सकते हो, एंड सो ऑन, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है, आगे भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, 4 × 90, 5 × 90, 6 × 90। सो आपको देखना है, आपको देखना है कि जब ये जो एंगल है, जैसे कि 180, 2 × 90 क्या बन रहा है, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन नंबर इंटू 90 क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। इसी तरह से 360 क्या बन रहा है, 4 × 90, यानी कि ये क्या है, इवन नंबर इंटू 90। और इन बाकियों को देखोगे तो इसको क्या देखोगे, इसको देखोगे 1 × 90, और ये क्या है 3 × 90, तो ये क्या है, ये बन रहे हैं ऑड नंबर इंटू 90, ठीक है। जैसे ये 270 भी क्या है, ऑड नंबर इंटू 90। सो बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा था कि ऑड नंबर, या तो आपको मिलेगा ऑड नंबर इंटू 90, या मिलेगा आपको इवन नंबर इंटू 90, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, जब ऑड नंबर इंटू, यहाँ पर ऑड नंबर यहाँ का जो एंगल है वो क्या बने, ऑड नंबर इंटू 90, जैसे अभी 90 है तो इसको क्या लिखोगे, 1 × 90, तो ये अभी जो एंगल है 90, ये क्या है, ऑड नंबर इंटू 90। हो सकता है यहाँ आपको 180 मिल जाता, तब आप इसको क्या लिखते हैं, 2 × 90, तो ये क्या हो जाता, इवन नंबर इंटू 90। मतलब ये जो एंगल है जो मैंने पिंक में डाले हुए हैं, ये आपको या तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 मिलेंगे यहाँ पर, या ओड नंबर ऑफ 90, ओड मल्टीपल ऑफ 90 मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर ओड मल्टीपल ऑफ 90 हो, यहाँ पर देख रहे हो ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, और फिर ये 90 तो नहीं लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे ये जो आगे एंगल है ये वाला साइन थीटा, तो इस प्लस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कॉस को देखें आप, कॉस 90 प्लस थीटा है, तो ओड नंबर तो है ही यहाँ पर, ये 90 क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो कॉस, अच्छा सबसे पहले ये क्या है, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सबसे पहले देखना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सबसे पहले देखना है, कौन से क्वाड्रेंट है की बात कर रहे हैं हम, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, आपको ये पता लग गया ना, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले तो ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है, फिर ये देखना है कि ये कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अभी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कॉस तो सेकंड में नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया, फिर ये देखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये चेंज होगा कि नहीं होगा। सो बताओ, अगर ओड मल्टीपल ऑफ 90 हो, जब कभी भी आपके पास ओड नंबर ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है, और इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो तो चेंज नहीं करना, ठीक है। अब चेंज करना है तो कॉस चेंज होता है साइन में, कॉस किस में चेंज होता है बच्चों, साइन में, तो यहाँ आएगा साइन, ऊपर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा, समझ आया, ऊपर वाले में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना था ना, साइन का क्या लिखना था, कॉस थीटा। अब जरा इसको देखो, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा को देखो, ठीक है, टेंजेंट 90 प्लस थीटा को देखो, क्या लिखेंगे बताओ जरा, 90 प्लस थीटा को सबसे पहले आपको देखना है, तो 90 प्लस थीटा क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, अच्छा जी, और ये 90 क्या है, ओड मल्टीपल है, 90 क्या है, ओड मल्टीपल है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है बताओ जरा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है माइनस, सबसे पहले तो ये लगाओ, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, माइनस। फिर ये देखो, ये 90 प्लस थीटा है ना, यहाँ पर ओड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, टेन किस में चेंज होता है, टेन चेंज होता है कॉट में, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, राइट, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, ठीक है। फिर से वही, आप फिर से इसको देखो,
90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में. सेकंड में कोट क्या होता है? नेगेटिव. सेकंड में कोट क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं. तो सेकंड में कोट हुआ नेगेटिव, राइट? सेकंड में कोट क्या हो गया? नेगेटिव. अच्छा जी, उसके बाद अब देखना है कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, कोट चेंज होगा. तो यहाँ साथ में 90 है जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता है, तो चेंज हो जाएगा. और कोट किस में चेंज होता है? टेन. अगर कोट में चेंज होता है तो कोट किस में चेंज होगा बच्चों? टेन में. तो यहाँ आएगा माइनस टेन थीटा, ठीक है. अच्छा, 90 प्लस थीटा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव. और 90 क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है इसलिए सीकेंट चेंज हो जाएगा. सीकेंट किस में चेंज होता है? सीकेंट किस में चेंज होता है? कोसेक थीटा में, ठीक है, कोसेक थीटा में. तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? कोसेक थीटा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा? लेकिन नेगेटिव कोसेक थीटा. उसके बाद 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव. और सीकेंट क्योंकि ऑड मल्टीपल है, कोसेकेंट किस में चेंज हो जाएगा? सीकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा. सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक वापस किस में चेंज होता है? ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज करने हैं, ठीक है. लिख लिया यहां तक? आगे चलेंगे भी. देखो जरा अगला, उसके बाद आता है बच्चों, तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ा था ना 90 प्लस थीटा. 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है. इसी तरह से 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो रट्टा मार लो, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में. 180 में से कुछ कम करोगे तो 180 से कम हो जाएगा. 180 से छोटा एंगल है तो यहाँ पर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा. अब ये देखो, चलो पहले मैं इनको लिख देता हूँ, तुम भी लिख लो. कॉस 180 माइनस थीटा, आंसर साथ में लिखते हैं फिर. टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन कॉस टेंजेंट कॉट, सीकेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉसिकेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन टेंजेंट कॉट. हो गया ना 6? देखो जरा, देखो जरा वन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में. तो बार बार ये देखने की जरूरत नहीं है कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, अब हमें याद है कि सेकंड क्वाड्रेंट में. अच्छा, अब इस 180 को देखना है, यहाँ वाले एंगल को देखना है. बताया था ना मैंने पिछली बार, पिंक सर्कल में डाला था, ठीक है, इस वाले एंगल को देखना है. तो ये एंगल कौन सा है बच्चों? 180, येलो वाला 180 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 90. क्या लिख सकते हो? 2 × 90. चलो देखो बच्चों, देखो जल्दी आ जाओ इधर, फटाफट पूरा करते हैं. साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 क्या होता है बच्चों? 2 × 90. 2 × 90 मतलब 90 का इवन मल्टीपल है. जब 90 का इवन मल्टीपल है होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता. मतलब ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनको आप सेम रखोगे. अब क्या करना है आपको? साइन 180 माइनस थीटा, तो ये आपने देख लिया 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? साइन बताओ. साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में. अच्छा, अब यहाँ पर 180 है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर ये वाला एंगल इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम चेंज नहीं करते हैं, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है. अब सेकंड को देखो जरा दोबारा से, ठीक है, फिर से देखो. 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों? नेगेटिव. और क्योंकि यहाँ पर 180 है ना, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा. तो ये क्या आंसर क्या आएगा? कॉस थीटा, ठीक है. अगेन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है. और 180 इज इवन मल्टीपल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, टेन थीटा ही रहेगा, ठीक है. अगेन बताओ कॉट थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है, सेकंड में कॉट क्या होगा? नेगेटिव. और 180 की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर कॉट थीटा ही आएगा. क्या है ये? कॉट थीटा, ठीक है. नेक्स्ट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव और चेंज भी नहीं होगा, तो क्या रहेगा? सेकंड थीटा ही रहेगा. अगले वाले में कोसेक थीटा, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड में कोसेक पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो लगाओगे पॉजिटिव साइन. अब ये देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा. सो 180 है तो चेंज नहीं होगा, कोसेकेंट थीटा ही रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट, आगे आ जाओ बच्चों,
लिखो फटाफट, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट 180 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, सीकेंट 180 प्लस थीटा, कॉसिकेंट 180 प्लस थीटा। समझ आया दिस? ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एक ही बार में देख लेते हैं, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना? ठीक है, अच्छा, और हमें पता है कि थर्ड में सिर्फ टेंजेंट और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में सिर्फ टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा को छोड़ के बाकी सब क्या आएंगे, सबकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में, नेगेटिव, थर्ड में साइन नेगेटिव। अच्छा, यहाँ 180 है, 180 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 180 90 का इवन मल्टीपल होता है। सभी लोग लिखेंगे इसको साथ साथ में, ठीक है? हाँ, तो ये क्या होगा? माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। फिर से कॉस 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव, और 180 इवन मल्टीपल है तो कॉस थीटा चेंज नहीं होगा। ये बताओ, टेन 180 प्लस थीटा बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट है, टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस, और 180 की वजह से टेन थीटा चेंज नहीं होगा, टेन थीटा ही रहेगा। ठीक है, कॉट थीटा के बारे में क्या विचार है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार है। 180 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, एंड कॉट थीटा का क्या रहेगा? कॉट थीटा ही रहेगा। चलो, कॉट थीटा, अच्छा, अब ये बताओ सीकेंड थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव, और चेंज भी नहीं होगा, सीकेंड थीटा ही रहेगा। ठीक है, कॉसिकेंड थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव, और चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब आएगा। चलें आगे, लिख लो फटाफट, नहीं लिखे हैं तो। साइन ऑफ, ये बताओ, 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेंजेंट ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा, साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट 270 प्लस थीटा, साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट, कॉसिकेंट कॉसिकेंट 270 प्लस थीटा। ठीक है भाई, अच्छा, इससे पहले, प्लस से पहले माइनस लिखना था भाई, ठीक करो, माइनस 270 माइनस थीटा, माइनस लगाओ सभी, साइड में माइनस वाला लिख लो, प्लस वाले को छोड़ दो। ठीक है, देखो देखो बच्चों, ये इधर का मिटा देता हूं मैं, किसी ने लिखा नहीं है तो पॉज करके फटाफट लिख लो। यहां पर 270 होता है, ठीक है, यहां पर 270 होता है, तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में, थर्ड में तो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में तो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव। अच्छा, एक बात, ये 90 आपके पास 270 आ गया, 270 क्या होता है? 3 into 90, यानी कि 90 का क्या है? ओड मल्टीपल है। जब कभी भी 90 का ओड मल्टीपल साथ में आए थीटा के, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होगा? चेंज। टेंजेंट किस में चेंज होता है भाई? कॉट में। टेंजेंट किस में चेंज होता है? कॉट में। तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि 270 है तो चेंज होगा, और कॉट चेंज हो रहा है तो कॉट किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। तो इन दो की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और कन्वर्जन भी होगा, क्योंकि ओड मल्टीपल है तो सभी का कन्वर्जन होगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, और नेगेटिव होंगे, तो साइन कन्वर्ट होगा, नेगेटिव आएगा, और कन्वर्ट भी होगा, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कॉस थीटा में। इसी तरह से कॉस नेगेटिव आएगा और कन्वर्ट भी होगा, तो किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में, क्योंकि कॉस साइन में चेंज होता है, और साइन किस में? कॉस में चेंज होता है। पता है ना सबको? ठीक है, चले आगे फिर। इसी तरह से सीकेंट, सीकेंट सीकेंट नेगेटिव ऑफ कॉसेक थीटा, क्योंकि सीकेंट किस में चेंज होता है? इसमें। ठीक है,
एंड कॉसेक किस में चेंज होता है, ये हो गया। अब चलो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, फटाफट लिखो साइन 270 प्लस थीटा के, साइन लिखो फटाफट साइन 270 प्लस थीटा, जल्दी करो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 270 प्लस थीटा, टेंजेंट ऑफ, मैं नोटबुक चेक करूंगा सभी की, 270, ठीक है, सभी अपने नोटबुक की फोटो खींच के नीचे कमेंट में डालेंगे, मैं देखूंगा लिखा कि नहीं लिखा। साइन कॉस टेंजेंट कॉट 270 प्लस थीटा, सीकेंट 270 प्लस थीटा एंड कॉसिकेंट 270 प्लस थीटा। फटाफट बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ में सिर्फ कॉस और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, अच्छा तो cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 270 किसका मल्टीपल है भाई, 90 का मल्टीपल है, odd मल्टीपल है, तो trigonometric ratio भी चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा, sin थीटा में, ठीक है। और secant, सॉरी secant ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, सॉरी 270 मतलब 90 का ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, सीकेंट किस में चेंज होता है, कॉसिकेंट में चेंज होता है, तो आंसर क्या आएगा, कॉसिकेंट थीटा आंसर आएगा, ठीक है। बाकी सभी नेगेटिव होंगे और कन्वर्ट भी होंगे, नेगेटिव होंगे तो लगा दो सभी का नेगेटिव, ठीक है, सभी का नेगेटिव लगा दो, कन्वर्ट करो साइन को कॉस थीटा में, ठीक है, टेन को कॉट थीटा में, कॉट थीटा को टेन थीटा में, ठीक है, और कोसेकेंट थीटा को सेक थीटा से माइनस सेक थीटा, इस टाइप से होगा। समझ आया सभी को, फटाफट वीडियो पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, साइन फटाफट कॉपी करो, 360 यहां पर आ गए थे हम, 270 में कुछ ऐड हो गया था, 270 प्लस थीटा, अब इधर से 360 माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है, अच्छा तो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, साइन कॉस टेंजेंट 360 माइनस थीटा, बहुत ही ज्यादा जल्दी पढ़ाया आज, तो लगता है बच्चों को 0.75 पे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। साइन ऑफ साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, कॉट कितना 360 माइनस थीटा, सेकेंट कॉसिकेंट 360 माइनस थीटा, फटाफट बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ 360 क्या है, 360 क्या है, 90 × 4, 90 का इवन मल्टीपल है, 360 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, और सेक थीटा का क्या रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, राइट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे, तो लगा दो नेगेटिव। अच्छा अब एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हो रहे हैं तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, टेंजेंट का क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, कोट का क्या रहेगा, कोट थीटा ही रहेगा, कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक थीटा ही रहेगा, ठीक है, इस टाइप से चलें आगे। हाँ बस 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 5 मिनट और दो, क्या मिलन कह रहा है 34 पे रोक दो सर, चलो इधर आओ, चलो देखो जरा इसी तरह से बच्चों, अगर 360 प्लस थीटा कर दिया जाए तो 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, टेंजेंट ऑफ 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सीकेंट 360
प्लस थीटा, ठीक है, कॉसिकेंट 360 प्लस थीटा, ठीक है, करो कॉपी फटाफट। अच्छा 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, राइट? सो इन सब की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एंड 360 इज व्हाट? 360 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज। तो सभी का आंसर क्या इतना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, और ये क्या होगा? कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये खत्म हो गया है, ये पूरा पोर्शन, तो इसको तो आप कंप्लीट करेंगे ही, ठीक है। ये सभी दोबारा, सभी को दोबारा लिख के देखना है, राइट?